थे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है अल्कोहल, या अल्कोहलिज्म कह दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अल्कोहलिज्म देखिए बेटा, अल्कोहल दो तरीके की हो सकती है। अल्कोहल या तो बेटा बेवरेज की फॉर्म में हो सकती है, जिसमें कम परसेंटेज में अल्कोहल होता हो, जिसमें 5 से 15% तक अल्कोहल होता हो, जैसे वाइन है या बियर है इनके अंदर, या टॉडी है। टॉडी को हिंदी में कहीं कहीं पे ताड़ी बोला जाता है, पाम सैप को फर्मेंट करके टॉडी या ताड़ी बनाई जाती है, बिहार में ताड़ी कहते हैं इसे। और बेटा दूसरी होती है स्पिरिट्स। स्पिरिट्स में जनरली अल्कोहल की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, आपको यहाँ पे लगभग 40 से 50% तक अल्कोहल मिल सकता है। और इसके अंदर जैसे बेटा विस्की आती है, ब्रांडी, रम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं, एटसेट्रा। ये सब स्पिरिट्स हैं। बाकी कैसे बनाई जाती हैं, क्या इनका प्रोसेस है, वो सब बढ़ाया जाएगा आपको जब जब हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी। अगली बात ये है बेटा कि हम लोग अल्कोहलिज्म को पढ़ क्यों रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझिएगा, जो भी पर्सन विक्टिम है अल्कोहलिज्म का, उसे हम अल्कोहलिक कहते हैं, उसे हम अल्कोहलिक कहते हैं। हिंदी में इसको शराबी बोला जाता है, जो पर्सन सुबह शाम दिन रात शराब पी रहा हो, बाकी दिन दुनिया के कोई काम सब छोड़ दे और पियक्कड़ बन जाए बिल्कुल, तो वो अल्कोहलिक कहलाता है। अब अल्कोहल पीने में क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत बेटा, दरअसल क्या होता है, किसी भी देश का कल्चर जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है। जैसे आप फ्रांस में जाइए या फिर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे आप देखें, तो वहाँ पे ठंडियाँ रहती हैं अक्सर, जो भी सर्बिया है, अब आइसलैंड है, अब जितने भी ठंडी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको देखें ग्रीनलैंड है, जो ये अलास्का वाला रीजन है, वहाँ पे आपको अक्सर बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर मिलेगा। तो वहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर सकते बिना अल्कोहल के, ठीक है, बिना अल्कोहल के उनका सर्वाइवल नहीं है। तो वहाँ पे एक आम सी चीज़ है, वो खाने के साथ में नॉर्मली शराब पीते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया का जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है शराब पीने की बेटा, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप अल्कोहल का कंजप्शन करें। तो अल्कोहल अगर कोई पर्सन पी रहा है किसी एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, आप जानते हो ड्रग्स करने के बाद भी इफेक्ट आता है, या उसकी कोई एक फीलिंग आती है जिससे उस पर्सन की एक अटैचमेंट हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस इंडिविजुअल के ऊपर शराब पीने से क्या असर पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक क्या असर पड़ सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी फैमिली पे ऊपर, उसका उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ने वाला, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और जिस सोसाइटी में वो रहता है वहाँ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बेटा हम इसकी बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो अगली बात मैं करने वाला हूँ वो है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। मैं हेडिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो खुद पी रहा है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, इफेक्ट क्या है ऑन इंडिविजुअल, ऑन इंडिविजुअल। तो यहां पे सबसे पहला बेटा, अगर कोई पर्सन अल्कोहल का कंजप्शन करता है तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, उस पर्सन की जो थिंकिंग एबिलिटी है, सोचने की जो क्षमता है, ठीक है, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, उसके जो मूवमेंट हैं, वो सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, उसका जो बॉडी का पॉस्चर है वो सारी चीज़ें उसकी जो है अफेक्ट होती हैं। तो ये अफेक्ट करती है, अल्कोहल पीने अफेक्ट करता है थिंकिंग एबिलिटी को, थिंकिंग एबिलिटी को।
बेटा उसके अलावा उसके रिफ्लेक्सेस को, उसके के मैं एक तरीके से कहूँ तो लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस हो जाता है, और उसकी स्पीच आपने अक्सर देखा होगा शराबी अलग तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो टंग है वो फंबल कर रही होती है, वो कुछ बोलना चाहते हैं क्लियर नहीं होती वो बात, उनके स्पीचेस भी जो है अफेक्ट होते हैं। अगला इफेक्ट है इसका कि ये क्या करता है, ये उस पर्सन के अंदर एमनीशिया कॉज करता है। एमनीशिया का मतलब है मेमोरी लॉस। कोई पर्सन अगर जो है रात को उसने शराब पी, झगड़ा, सो गया, सुबह लोग उसको देख रहे हैं गुस्से से कि भाई तुमने शराब पी थी और तुम उससे नाराज़ हैं, अब उसको पता ही नहीं है कि लोग मुझसे नाराज़ क्यों हैं, क्योंकि वो भूल चुका है। वो बेसिकली क्यों हुआ है, वो अल्कोहल की वजह से हुआ है, एमनीशिया हो गया है बेटा। उसके अलावा बेटा हेडेक होता है, नौजिया, वॉमिट जैसा फील आना, और ज़्यादा पी ली तो वॉमिटिंग, ठीक है, ज़्यादा पी ली तो वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है इसके असर है। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा शराब पी रहा है तो बेटा उस कंडीशन में उसका फैटी लिवर हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा और सिरोसिस हो जाएगा, फैटी लिवर और सिरोसिस, सिरोसिस, ठीक है, उसका जो लिवर के फंक्शन है वो अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, लिवर फेलियर भी हो सकता है ज़्यादा शराब पीने से, है ना, लिवर का फंक्शन करना बंद हो जाएगा, बाइल जूस वो सिक्रेट कर रहा था, जो डाइजेशन कर रहा था वो नहीं हो पाएगा। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा बेटा उसको भूख लगनी कम हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, ऐसे लोग को भूख कम लगेगी। उसके अलावा बेटा गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, या हाइपरटेंशन हो सकती है, या हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी वाली प्रॉब्लम उसको होने लग जाएगी। इसी तरीके से बेटा उसका जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो जाएगी, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव नेक्स्ट है इसका इफेक्ट, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, और स्पर्म काउंट भी इससे अफेक्ट करता है, तो नेक्रोस्पर्मिया हो जाएगा, नेक्रोस्पर्मिया हो जाएगा। और अगर कोई फीमेल है जो अल्कोहलिक है और ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करती है, वो प्रेग्नेंट है और उसने शराब पीना बंद नहीं किया, तो उसके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो उसे कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर फीमेल कंजप्शन करती है अल्कोहल का, तो उसकी वजह से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है बेटा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। ये सारे के सारे इम्पैक्ट थे किसी इंडिविजुअल के ऊपर कि उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो शराब पिएगा तो, ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन करेगा तो। अब हम बात करेंगे कि सोसाइटी, और पहले फैमिली की बात कर लेते हैं कि फैमिली के ऊपर उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन फैमिली। बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अल्कोहलिज्म के या एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करने के फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असर पड़ेंगे, डिवास्टेटिंग इफेक्ट जिसे कहा जाएगा। डिवास्टेटिंग इफेक्ट में क्या होगा कि अक्सर जो है झगड़े हुआ करेंगे घर में, क्वारल्स, क्योंकि ऐसी
पीने के बाद में जो सामने वाला पर्सन है वो इरिटेट होता है, क्योंकि उसकी जो हरकतें होती हैं वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। तो ऐसे पर्सन के घर में पिटाई भी हो सकती है ना, जब पी के आ गया, अब डेली डेली पी रहा है, उसके घर वाले दुखी आ जाएंगे, तो इस बात को लेके झगड़ा बनना शुरू हो जाएगा। तो क्वारल्स होंगी, फ्रस्ट्रेशन बेटा जो है परिवार वालों को होगी, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर कोई आदमी ज़्यादा ही शराब पी रहा है, ज़्यादा उतर चुका है, बिल्कुल पियक्कड़ बन चुका है, सुबह से रात तक पी रहा है, फिर रात से सुबह तक पी रहा है, और मतलब उसका बिल्कुल कोई शेड्यूल नहीं है, काम वाम उसने छोड़ दिया, बस पीना शुरू कर दिया उसने, काई की काम है पीना, तो ऐसी कंडीशन में बेटा उसके पास पीने के लिए पैसे भी चाहिए होंगे। अब पैसे होंगे नहीं क्योंकि जॉब तो करता नहीं वो, तो उसकी जो सेविंग्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे जो घर की एमिनिटीज़ हैं, जो घर के सामान हैं और घर की जो चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे वो बेच के शराब पीने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में इनसिक्योरिटी डेवलप हो सकती है बेटा। तो नेक्स्ट जो मैं इफेक्ट बता रहा हूँ वो लिख दे रहे हैं कि जो अल्कोहलिज्म है, इस अल्कोहलिज्म के डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट है फैमिली के ऊपर। इससे फैमिली में क्या क्या होगा, तो बेटा झगड़े बनेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है वो ज़्यादा, जो जिन घरों में ज़्यादा मेल्स शराब पीते हैं, मुखिया घर का है वो शराब पी रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है झगड़े अक्सर होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बेटा परिवार वाले, और बेटा इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, ठीक है, ये बेटा इफेक्ट है परिवार के ऊपर। अब सोसाइटी के ऊपर इसके क्या असर पड़ने वाले हैं, तो आइए उनकी बात भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म ऑन सोसाइटी। नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो है इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो बेटा एक बात है, देखिए जो आप अक्सर आदमी शराब पीता है उसका बिहेवियर बड़ा गंदा सा रैश बिहेवियर होता है, उस बदतमीज टाइप का होता है वो पर्सन, तब उल्टी सीधी बेहुदी वाली बात करेगा जो सामने वाले को शायद पसंद ना आए, उस तरीके की वो बात करने की कोशिश करता है, उसको ये होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे लोगों का रैश बिहेवियर होता है, बड़ा गंदा बर्ताव वो करते हैं दूसरों के साथ। दूसरा मेलिशियस मिस्चीफ, बदतमीजी, वॉयलेंस, ठीक है, जैसे आपने रोड रेजेस देखी होंगी, अक्सर रात को दो गाड़ियों में शराब पी के जा रहे थे, गलती से गाड़ी दोनों की टकरा गई, दोनों में से पी रखी थी, एग्रेशन में आए, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, तो उसमें किसी की डेथ हो गई। रोड रेजेस वॉयलेंस होता है, झगड़े बनते हैं शराब पी के, है ना, थोड़ा उद्दंडी हो जाता है पर्सन, उपद्रव मचाने की कोशिश करता है। उसके अलावा बेटा ऐसे लोग का जो सोशल नेटवर्क है वो डिटोरिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, लोग उससे अलग थलग होना शुरू हो जाएंगे, उसके जो दोस्त थे, उसके जो निकट संबंधी थे, वो उसको पसंद नहीं करेंगे, उससे दूर रहना की कोशिश करेंगे सभी लोग, और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा खैर में दोस्ती बनाने में या सोशल एक्टिविटीज़ में या किसी भी एक्टिविटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसका एक इम्पैक्ट और है, वो है ट्रैफिक एक्सीडेंट। अल्कोहलिज्म का सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है ट्रैफिक एक्सीडेंट। ट्रैफिक एक्सीडेंट में वो बिल्कुल एक निर्दोष आदमी जो इनोसेंट है, जो सड़क पे जा रहा है, भाई उसने तो पी नहीं हुई, वो तो बेचारा अपने किसी काम को करके जा रहा हो सकता है अपने परिवार के लिए कुछ सामान खरीदने आया हो, एक गाड़ी बड़ी सी आई उसमें उन्होंने पी रखी थी, स्पीड में चला रहे थे, कंट्रोल नहीं हो पाई या वो करेक्ट जजमेंट नहीं कर पाए डिस्टेंस का, या ब्रेक टाइम पे नहीं लगा पाए, रिएक्शन उनका टाइम नहीं रहा, इंक्रीज हो गया तो मार दिया उनको। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि निर्दोष आदमी, मतलब जो जो, जो, जो सोसाइटी में रहने वाले हमारे इनोसेंट लोग हैं, वो ऐसे लोगों की वजह से परेशान हो सकते हैं या उनके एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगली बात मैं लिख दे रहा हूँ सोसाइटी में इसका क्या क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रैश बिहेवियर, बेटा रैश बिहेवियर, रैश बिहेवियर। दूसरी बात लिख रहा हूँ बेटा मैं मैलिशियस मिसचीफ,
एंड वायलेंस, मैलिशियस मिसचीफ एंड वायलेंस। उसके अलावा बेटा डिटोरेटिंग, सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज, एंड अदर एक्टिविटीज। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहां पे अफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म ऑन ऑन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ऑन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो इसमें बेटा सबसे पहला है कि इसमें क्या होता है, करेक्ट जजमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड करेक्ट जजमेंट ऑफ डिस्टेंस, करेक्ट जजमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है बेटा, करेक्ट जजमेंट नहीं कर पाता डिस्टेंस का। उसके अलावा बेटा इंक्रीज कर देता है रिएक्शन टाइम को, तो जो ब्रेक लगा सकता था वो टाइम पे नहीं लग पाएगा। उसके अलावा बेटा ब्लर्ड विजन, दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। और बेटा ये बिहेवियर को चेंज कर देता है, तो इसके कारण रोड रेजेस बढ़ सकती हैं या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति का वो इंसान हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अल्कोहल के अफेक्ट्स में आ सकती हैं। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है बेटा टबैको या स्मोकिंग। तो बेटा सबसे पहले आप जानिए कि टबैको किस किस फॉर्म में लिया जा सकता है। देखिए टबैको को कोई पर्सन च्यू कर सकता है गुटके की फॉर्म में, इसको स्मोक कर सकता है बीड़ी या सिगरेट की फॉर्म में, को स्नफ के तौर पे यूज़ कर सकता है खैनी की फॉर्म में, इन तीन फॉर्म में वो ले सकता है। अब इसके साथ में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो टबैको होता है बेटा, टबैको के अंदर एक एल्कलॉइड कंपाउंड होता है, एल्कलॉइड कंपाउंड होता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। ये निकोटीन क्या करता है, जैसे सपोज करो कोई भी पर्सन ने स्मोक किया, तो जब उसने स्मोक किया उसको निकोटीन मिली, तो ये निकोटीन जाएगी उसकी एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी, तुम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करो, या एपिनफरीन या नॉर एपिनफरीन को रिलीज करो, और वो जो एड्रेनलिन है ये उस पर्सन के हार्ट रेट को बढ़ाएगा, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा, या उसके जो अटेंटिवनेस है उसको बढ़ा देगा, अलर्टनेस को बढ़ा देगा। तो जब तक उसका इफेक्ट रहेगा तब तक वो अलर्ट है, उसके बाद में फिर जब उसका लेवल डाउन होगा, निकोटीन उसकी बॉडी में कंज्यूम हो जाएगी या मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो फिर से वो उसको लगेगा कि यार मेरे अंदर एनर्जी बहुत कम है, तो वो फिर से स्मोक कर लेगा या जो भी टबैको का सोर्स है उसको लेगा, जिससे कि उसको बार बार वो एड्रेनलिन रश मिलता चला जाए, जिसकी वजह से वो अटेंटिव रहे। जब नहीं मिलेगा तो अटेंटिवनेस उसकी ख़त्म होती चली जाएगी। तो मैंने बोला कि ये निकोटीन जाएगा, ये जाके स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, ताकि एड्रिनल ग्लैंड
एड्रिनलिन, इसका दूसरा नाम एपिनफरीन भी होता है, या एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन को रिलीज करे, और ये क्या करेंगे बेटा, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, है ना, और बेटा उसके हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, उसके हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, और बेटा क्या होगा, ब्लड प्रेशर हार्ट रेट उसका इंक्रीज हो जाएगा, साथ साथ में उसको अलर्ट बनाएंगे, ठीक है, उसको अलर्ट बनाती हैं। तो ये एक इसका टबैको का असर है, लेकिन इससे दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जो लोग टबैको स्मोक करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं बेटा, उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे उनको लंग कैंसर हो सकता है, या कैंसर हो सकता है उनको थ्रोट में, या यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, और बेटा इन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कह सकते हो, आपने 11th में पढ़ी होंगी, जैसे कि एम्फिसिमा, एम्फिसिमा ये ज़्यादा जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उसकी वजह से होता है, या ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में ज़्यादा स्मोक करने की वजह से। उसके अलावा बेटा कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकता है इनको, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ इनको हो सकते हैं, ठीक है बेटा, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ इनको हो सकते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है जो स्मोकिंग के साथ जुड़ी हुई है। और बाकी स्मोकिंग एक काम और कर सकता है, ये बेटा ये डेफिशिएंसी कर सकता है, ये डेफिशिएंसी कर सकता है ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर, इस तरीके से डेफिशिएंसी करेगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बनने को कम कर देगा, या ऑक्सीहीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी करवाएगा, कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कम, तो जैसे हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और स्मोकिंग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, क्या करता है, ये इंक्रीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाने से क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के लिए थोड़ी कम होती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर। और उसके अलावा बेटा जो लोग टबैको को च्यू करते हैं, स्नफ के तौर पे यूज़ करते हैं, उनके साथ में ओरल कैंसर की समस्या हो सकती है, उनके साथ में ओरल कैंसर की समस्या हो सकती है। तो ये सारे डिटेल थे जो आपको पढ़ने थे टबैको के अंदर बेटा।